हेलो एवरीवन, दिस इज एजुकेटर कविता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब। आज हम जानेंगे बिल्कुल बेसिक टर्म्स जो कि इकोनॉमिक्स, जो कि अर्थशास्त्र में यूज होते हैं, इसके साथ साथ वो हमारी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, उनको हम जानेंगे। लाइक क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, रीपे द लोन क्या होता है, लोन्स और एडवांसेस में क्या डिफरेंस होते हैं, मोरेटोरियम क्या होता है, जो कि वर्ड काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टू बेसिक टर्म्स के बारे में डिफरेंसेस। पहला है क्रेडिट और दूसरा है डेबिट। क्रेडिट और डेबिट में डिफरेंस क्या है, देखिए जब भी आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, डिपॉजिट का मीनिंग होता है जमा करवा रहे हैं, तो उस केस में आएगा क्रेडिट। तो जब भी आपका जो मोबाइल है, लाइक उसके ऊपर मैसेज आता है, अगर आपका मोबाइल लिंक है आपके अकाउंट से, तो वहां पर एक मैसेज आता है दैट योर अकाउंट इज क्रेडिटेड टू दिस। और अगर आप पैसे विदड्रॉ करवा रहे हैं तो उस केस में आता है डेबिट। डेबिट का मीनिंग यहां पर हो जाएगा जब भी आप विदड्रॉ करवा रहे हो तो आपके पास मैसेज आएगा योर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मीनिंग हो जाता है जो भी लेन देन हम कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर आएगा योर अकाउंट इज डेबिटेड टू दिस। जो भी वहां पे अकाउंट नंबर होगा, जो भी वहां पे अमाउंट होगी, तो वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो एक चीज क्लियर हो गई है, क्रेडिट एंड डेबिट क्या होता है। क्रेडिट का मीनिंग होता है जब आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, एंड डेबिट का मीनिंग होता है जब आप विदड्रॉ करवा रहे हैं। विदड्रॉ मीन्स निकासी, या जिसको हम कहते हैं कि पैसे निकलवा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडिटर और डेटर्स में क्या डिफरेंस होता है। यस, क्रेडिटर्स का मीनिंग होता है जो एक तरह से लोन प्रोवाइड कर रहा है, जो देने वाला है, जिसने बिजनेस से पैसे लेने हैं, वो एक तरह से उसको हम कह सकते हैं लेनदार, जो लोन प्रोवाइड करता है। कंसीडर अगर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है तो यहाँ पर क्रेडिटर हो जाएगा, मीन्स क्योंकि लोन प्रोवाइड कौन कर रहा है, यहाँ पर बैंक कर रहा है, तो वो हो जाएगा क्रेडिटर। और जो लेने वाला है, चाहे वो कस्टमर है, कोई फर्म है, जो भी बिजनेस में जिनको रिक्वायर्ड है, तो वो हो जाएंगे डेटर्स। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, क्रेडिटर जो लोन प्रोवाइडर होगा, जो पैसे देगा, और डेटर जो रिसीवर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है लोन। लोन तो हो जाता है जो भी हम लोन ले रहे हैं एक तरह से, फिर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो रीपे द लोन का मीनिंग क्या होता है। रीपे का मतलब होता है लाइक अगर हमने SBI से या किसी भी बैंक से लोन लिया, तो उसके बाद क्या होगा, हमें लोन वापस चुकाना होगा, तो इसको बोलते हैं रीपे द लोन। रीपे द लोन, अगर जो लोन रीपे नहीं कर पाते तो उस केस में हो जाते हैं NPA। और बैंक्स के लिए सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लमैटिक कंडीशन है वो है NPA, दैट इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मींस जो एसेट तो थी, जो संपत्ति तो थी, क्योंकि वो बैंक ने लोन दिया है तो बैंक के लिए तो एसेट है, लेकिन जिस पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है वो उसके लिए लायबिलिटी है, वो उसका दायित्व है उसको चुकाना। तो ऐसी एसेट जो कि वर्किंग, जिसने अब वर्क करना छोड़ दिया है, जहां से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो वो हो जाता है NPA। उसके बाद हम बात करते हैं, काफी लाइमलाइट में रहा ये वर्ड मोरेटोरियम। क्या मीनिंग होता है इस मोरेटोरियम का। मोरेटोरियम का मीनिंग होता है एक तरह से टेम्परेरी होलीडे। यहां पर RBI गवर्नर द्वारा, शक्तिकांत दास जी द्वारा एक गाइडलाइन दी गई कि मोरेटोरियम जो है पीरियड ये प्रोवाइड किया जाएगा 3 मंथ्स का, जिसमें लोन जो था 3 मंथ्स की EMI इक्वेटेड मंथली जो इंस्टॉलमेंट थी, उनको एक तरह से 3 मंथ का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो मोरेटोरियम का मीनिंग होता है टेम्परेरी होलीडे, एक तरह से कि आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद
जो भी आपका लोन है उसको रीपे कर सकते हैं. रीजन बीइंग ड्यू टू एमिड ऑफ दिस कोविड-19, जो इतना बड़ा ग्लोबल पैंडमिक हो गया है, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ गया है. तो इसी को ओवरकम करते हुए स्टेप लिया गया आरबीआई गवर्नर द्वारा. नेक्स्ट जो वर्ड आता है दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है कि हमने इतना एक्सपोर्ट किया, इम्पोर्ट किया, तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, सिंपल भाषा में हम इसे समझेंगे. एक्सपोर्ट का मीनिंग होता है जब प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन यूनिट से या कहीं से भी जहां पर वो चीज़ बन रही है, जब वो दूसरी जगह सेंड की जाती है, दूसरी जगह भेजी जाती है टू सेल, बेचने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट. और उसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर इम्पोर्ट. इम्पोर्ट मतलब आना, मीन्स कोई भी चीज़ जब हमारी कंट्री में आ रही है तो उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट होता है निर्यात एंड यहाँ पर इम्पोर्ट का मीनिंग होता है आयात करना. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. उसके अलावा यहाँ पर हम वर्ड देखते हैं लोन्स एंड एडवांसेस. इसका मीनिंग क्या होता है? लोन होते हैं जो जनरली एक तरह से जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर भी हो सकता है, मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है. लेकिन जो एडवांसेस होते हैं, एडवांसेस नॉर्मली फ्यू मंथ्स के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि आप थोड़ा बहुत एक तरह से, क्योंकि जैसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, ओवरड्राफ्ट का मीनिंग होता है जब आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे लेकिन उससे ज़्यादा आपने एक तरह से विदड्रॉ करवा लिए, निकलवा लिए, तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो होती है, तो एक तरह से जो आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे आपने निकलवा लिए, तो एक तरह से आपको बैंक ने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन प्रोवाइड किया, तो वो लोन रीपे करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और नॉर्मली ये प्रोवाइड किया जाता है जो करंट अकाउंट होते हैं, और करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए. सेविंग अकाउंट पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती. तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमी को जाना. हमने जाना क्रेडिट का मीनिंग, हमने जाना डेबिट का मीनिंग, कब हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है. इसके अलावा हमने क्रेडिटर्स, डेटर्स क्या होते हैं इनके बारे में जाना. रीपे द लोन का मीनिंग क्या होता है, मोरेटोरियम का मीनिंग क्या होता है, एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है और इम्पोर्ट का मीनिंग क्या होता है. तो थैंक यू सो मच ऑल फॉर दिस वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो. थैंक यू सो मच वंस अगेन.